हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, हम इसमें माइक्रोबायोलॉजी के थर्ड यूनिट में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन है, उसमें टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है, चैन ऑफ इन्फेक्शन हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो पर आप नए हैं तो और भी वीडियो इससे रिगार्डिंग थर्ड यूनिट के इन्फेक्शन से रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन को कौन कौन से तरीका होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस मतलब कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, डिजीज कंडीशन ऐसा लग रहा है, आपको साइन एंड सिम्टम किसी साइन एंड सिम्टम अगर दिख रहा है तो क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस। यहाँ पे देखिए पॉइंट, अर्ली डायग्नोसिस इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस आप जल्दी से डायग्नोस करा लेते हैं डॉक्टर से तो क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है और ट्रीटमेंट जैसे कि और दूसरे पेशेंट अगर दूसरे पर्सन में भी स्प्रेड होने से भी बचता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है तो अगर अर्ली उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हम अर्ली डायग्नोसिस जल्दी से डायग्नोस करके मतलब करेंगे तो खुद भी सेफ्टी से रहेंगे और एक पर्सन से दूसरे को भी हम सेफ्टी से मतलब उस डिजीज कंडीशन ना हो इससे उसको हम क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया पहला पॉइंट का। उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज शुड बी डन बाय द लोकल या नेशनल मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे आपके फ़ोन में आता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आपको नोटिस आता है, कुछ ना कुछ आपको सूचना मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ एपिडेमिक या इंडेमिक के कंडीशन में जो कम्युनिटी लेवल का कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, जैसे कि कोविड के टाइम पर क्या होता था, गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेडिकल है वो क्या करती थी, गाइडलाइंस देती थी। तो एक तरह के जो वो गाइडलाइंस होता है ना उसी को हम बोलते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे। ठीक है, अगर लोकल एरिया में अगर मान लीजिए किसी किसी एरिया में क्या होता है कि डेंगू स्प्रेड होता है, ठीक है, डेंगू किसी खास लोकल एरिया में स्प्रेड होता है तो उस लोकल एरिया के लिए लोकल मेडिकल अथॉरिटी क्या होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर नोटिफिकेशन देता है, जैसे कि कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है, वहाँ पे वो DDT का छिड़काव कैसे करना है, ये सब चीज़ का नोटिफिकेशन मतलब एक तरह का सूचना वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया नोटिफिकेशन मतलब कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर दिया जाए प्रॉपर वे में क्या हो सकता है, डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद से है थर्ड पॉइंट है आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आइसोलेशन मीन्स सेपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज डेट इन्फेक्ट वन पर्सन टू एनअर पर्सन। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब आपको पता चल गया कि क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन में इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आइसोलेशन में रखते थे, जैसा कि कोविड में आपने देखा होगा कि जो कोविड पॉजिटिव है उसको क्या रखते हैं, हम आइसोलेशन में रखते हैं, मतलब कि उनका एक अलग रहता है हॉस्पिटल से, एक आइसोलेटेड वार्ड रहता है, उस वार्ड में रखा जाता है और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और उनको ट्रीटमेंट देने के लिए जितने भी मेडिकल स्टाफ होते हैं उनको खास PPE जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट रहता है, उसको पहन करके पूरा जाना होता है। जैसे कि टेटनेस का भी पेशेंट को होता है तो उसको भी क्या रखता रहता है, आइसोलेट करके रखा जाता है ताकि क्यों वो कम्युनिकेबल डिजीज या अगर किसी किसी अच्छा हॉस्पिटल में देखा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस के भी पेशेंट को रखा जाता है अलग करके, मतलब कि जनरल वार्ड में उसको नहीं रखा जाता है क्योंकि क्या होता है, स्नीजिंग से, छींकने खांसने से उसमें होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज है, पर्सन टू पर्सन वो स्प्रेड हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आइसोलेशन हम रख रहे हैं, अगर एक हॉस्पिटल में एक दो ट्यूबरकुलोसिस से कोई पेशेंट है तो उसको हम आइसोलेट अलग करके रखेंगे तो बाकी पेशेंट जो है वो सेफ रहेंगे, वो जिस भी डिजीज से आए हैं हॉस्पिटल में एडमिट है वो उसी तक रहेंगे, उनको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस नहीं रहेगी, इसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं फोर्थ पॉइंट ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू किल द इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब क्या हुआ, वायरस भी होगा, बैक्टीरिया भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे और फंगाई भी होगा, प्रोटोजोआ भी होगा। अगर हम यहाँ पर बात किए हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट की, आपको प्रॉपर वे में डायग्नोस होने के बाद से जो ट्रीटमेंट होता है, अगर मान लीजिए कि वायरल फीवर है, ठीक है, वायरल फीवर है और विदाउट एनी मतलब अच्छा से कोई अगर डायग्नोसिस नहीं करता है और उसको मतलब कि मेडिकल स्टोर से
या गांव में जिसको हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बिना हमको जाने हुए कि कैसा इन्फेक्शन है, किस टाइप का है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, वो लोग देने लगते हैं एंटीबायोटिक। तो वहाँ पर क्या होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को वो क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक जो अपने बॉडी को हेल्दी सेल्स को हार्म कर रहा है। तो यहाँ पर इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, वायरस इन्फेक्शन है तो वायरस के जैसा होना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम ट्रीटमेंट जब करेंगे तो क्या होगा, हम भी खुद भी सेफ रहेंगे, और कम्युनिकेबल डिजीज है तो दूसरा पर्सन को भी, दूसरा पर्सन घर में, फैमिली मेंबर या हॉस्पिटल में, दूसरा पर्सन भी उससे प्रिवेंट होगा। उसके बाद से फिफ्थ पॉइंट, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तो नाम सुना होगा, कोविड में बहुत चला था क्वारंटाइन, ये देखते हैं। डिफाइन एज अ लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सच एज वेल पर्सन, मतलब कि यहाँ पे क्वारंटाइन मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन कम्युनिकेबल डिजीज से पॉजिटिव हो, लेकिन डाउट रहता है कि मे बी ये पॉजिटिव है तो उसको क्या रखते हैं, क्वारंटाइन में रखते हैं, अलग करके रखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ फ्रीडम रहता है, फ्रीडम रहता है मतलब कि अगर पूरा ये कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव ही है तो उसको क्वारंटाइन में हम रख सकते हैं। और लेकिन आइसोलेशन का मतलब ये होता है, इसमें डिफरेंस देखा जाए तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में पॉजिटिव है वो हाई रिस्क में है, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो पीपीई किट के साथ होगा और उसको आइसोलेट करके ही रखेंगे। लेकिन क्वारंटाइन में रहता है कि डाउट है, अगर ऐसा डाउट है, रिस्क फैक्टर है, तो उसको हम रख सकते हैं अलग। सिक्स पॉइंट है प्रिवेंशन, मतलब कि अगर डिजीज को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या, प्रिवेंशन इज अ बेटर देन ट्रीटमेंट, ठीक है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, डाइट, यहाँ पे प्रॉपर डाइट होगा, ठीक है, प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट। इम्यूनाइजेशन, अगर हम डिजीज को प्रिवेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ये पर्सनल हाइजीन, अपना हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, नेल शॉर्ट होना चाहिए, अपना पर्सनल हाइजीन डेली बात, ये सब क्या करना है, अपने आप को मेंटेनेंस करना है, ठीक है। उससे भी क्या होगा कि डिजीज प्रिवेंशन होगा। उसके बाद से है प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट। अगर आप कोई भी माल नरिश्ड है, जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है, माल नरिश्ड है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, तो उसको क्या होगा, वो डिजीज होने के चांसेस रहेगा। तो आप अगर प्रॉपर डाइट और बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आप डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है शुरू से दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अपने आपको, मतलब क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन देना जरूरी है। अगर इम्यूनाइजेशन अगर प्रॉपर वे में नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है, वो उस डिजीज को होने के चांसेस ज़्यादा मतलब रिस्क फैक्टर में रहता है। तो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद से है सेवेंथ पॉइंट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, PPE, ठीक है। इफ हेल्थ केयर वर्कर्स, अगर जैसा अभी मैंने बताया कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स है या उसको कम्युनिकेबल डिजीज है हॉस्पिटल में, जैसा मान लीजिए कि हेपेटाइटिस का पेशेंट, ठीक है, तो हेपेटाइटिस का पेशेंट के पास जब भी जाते हैं, अगर कैनूना लगाने जाते हैं या उसको कुछ भी अगर जा रहे हैं, ड्रिप चलाने आता है, तो आपको पूरा क्या होना चाहिए, ग्लव्स वगैरह होना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर कोई पेशेंट है, अगर ट्यूब्रोक्लोसिस का पेशेंट है, तो आपको प्रॉपर वे में मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स है तो इसको अपने आप होना चाहिए, नहीं तो डिजीज पर्सन का जो भी डिजीज होगा वो अपने में हेल्थ केयर वर्कर्स को होने के चांसेस रहेगा। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन का। तो आज के हम लेक्चर में क्या देखें, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से कैसे करते हैं, ये चीज़ देखें, और आगे के जो वीडियो रहेगा उसमें हम और इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे और इन्फ्लेमेशन के भी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ भी आपको डाउट्स लगता है आप क्वेश्चन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।